वेलकम बैक टू प्लांट लाइफ, प्लांट लाइफ बाय चारू पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पौधों की जो हम अपने टेबल टॉप पर सजा सकते हैं, हमारे ऑफिसेज की डेस्क के ऊपर सजा सकते हैं और हमारी वर्क प्लेस को और ज़्यादा ब्यूटीफुल और एनहांस कर सकते हैं, और हमारा मन लगा रहे और वो जगह हरी भरी रहे तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है फ्रेंड्स। क्योंकि जब भी हम ऑफिस का काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, बहुत ही स्ट्रेस वाली चीज़ें होती हैं दोनों टाइम, और अगर इसे हम अपनी जगह को ब्यूटीफुल बना के रखें, ऑफिसेज को सजा के रखें, अपनी डेस्क पे प्लांट्स लगाएं, तो ये ग्रीनरी इज़ अ सिंबल ऑफ पीस। तो डेफिनेटली हम इसको देखेंगे बार बार इन प्लांट्स को, तो हमें कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड रहेगा, वी कैन कीप आवर सेल्फ काम डाउन, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर इन अ नर्सरी एंड आई एम गोना बाय अ फ्यू प्लांट फ्रॉम हियर जिनको हम हमारी डेस्क पर सजा सकते हैं। सो लेट्स गो एंड सी, आई गेट यू द डिटेल्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ ये प्लांट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये आप अपनी डेस्क के ऊपर रख सकते हैं। इसके लिए सिर्फ 2 inches या 3 inches का गमला आपको रिक्वायर्ड होगा। ये इतना ब्यूटीफुल प्लांट है, ये इंडोर प्लांट है एब्सोल्युटली। आप इसे अंदर रख सकते हैं, इंडोर्स में रख सकते हैं। सेकेंड प्लांट अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये देखिए, ये जो है छोटा सा बोनसाई, ये देखिए कितने छोटे से पॉट में लगा हुआ है, और इसकी जो प्राइस आती है वो है 150 to 200 rupees, एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लांट विच कैन रेसिस्ट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। लाइक अगर आप इसको घर के अंदर रखोगे और इसको इस गर्मियों के सीज़न में भी अगर आप हफ्ते में एक बार या दो बार पानी दे दोगे, क्योंकि इसकी सॉइल में कोकोपीट है, तो ये बहुत इजीली चलने वाला है फ्रेंड्स। बहुत अच्छे प्लांट्स हैं ये जिनको हम अपनी टेबल टॉप पे सजा सकते हैं। इतनी छोटे छोटे से कंटेनर्स में होते हैं ये, देखिए छोटा सा प्लांटर में, और इसके लिए हमें ज़्यादा बड़ा प्लांटर नहीं चाहिए। बड़ा बनाना चाहते हैं इसे तो हम थोड़े बड़े प्लांटर में भी लगा सकते हैं, अगर आप हम अपने रेफ्रिजरेटर के ऊपर रखना चाहते हैं या सेंटर टेबल के ऊपर रखना चाहते हैं। ये देखिए ये साइज़ है इस प्लांट का, और इनके लिए जो हमें प्लांटर चाहिए वो इस साइज़ का चाहिए जो कि 2 to 3 inches का होता है। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा है। इट विल कॉस्ट यू ओनली 90 rupees। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कुछ बैम्बू प्लांट्स की। बैम्बू प्लांट्स में यूजुअली ये सबसे ज़्यादा कॉमन बैम्बू प्लांट है। ये जो बैम्बू प्लांट है ये हम इजीली 150 टू 200 रुपीस में किसी भी आसपास की नर्सरी में आपको मिल जाएगा, और इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी होती है। ये आपको अगर आप एक बार इसे लेकर अपनी टेबल पे सजाएंगे, कोशिश कीजिए कि ऐसे छोटी ग्रोथ वाला लें, तो ये इजीली 1-1.5 years तक आपके साथ रहेगा, और बस इसमें सिर्फ आपको पानी डालते रहना है, और कुछ दिनों में, थोड़े थोड़े दिनों में इसकी रूट्स को जो है, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो रूट्स आ रही हैं इसकी, इन रूट्स को वॉश करते रहना है। एक महीने में एक बार भी आप इन रूट्स को वॉश करेंगे और पानी भर देंगे, इस पानी चेंज कर देंगे इस वास का, तो डेफिनेटली ये दिखने में भी बेहद खूबसूरत है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखने में तो बहुत सुंदर है ही, इसके साथ साथ इसके कई सारे अदर यूसेस भी हैं। इसे फेंचुई में बहुत ज़्यादा लकी माना गया है। जो लोग वास्तु को मानते हैं उनके हिसाब से भी ये प्लांट जो है लकी बैम्बू के नाम से जाना जाता है, और इजीली मार्केट्स में अवेलेबल। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इंडोर प्लांट्स हैं जो मैंने निकाल के रखे हैं, और ये सारे प्लांट्स मैं आज अपने साथ लेके जाने वाली हूँ, जिसमें स्नेक प्लांट सबसे पहले आता है, क्योंकि इसे एक महीने में एक बार भी अगर आप पानी देंगे और कैसी भी डेजर्ट वाली सॉइल में रखेंगे, पोरस सॉइल में, हार्ड सॉइल में, ये हर तरीके की सॉइल में चलने वाला है। इसे किसी तरीके के कॉम्पोस्ट की ज़रूरत नहीं है। 6 to 8 months ईजीली आप बिना कॉम्पोस्ट के इसे चला सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट जो है हमारे पास वो ये देखिए फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वैरायटी ऑफ मनी प्लांट यू कैन से। ये आपको हैंगिंग प्लांट में भी रख सकते हैं आप इसको। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल रबर प्लांट। ये देखिए फ्रेंड्स, रबर प्लांट कितना खूबसूरत लगता है, और इसे भी आप टेबल टॉप पे लगा सकते हो। ये भी आपको जो मैंने वास दिखाया था उसी में लगा हुआ है। ये देखिए 2 to 3 inches के वास में ईजीली आप इनको ग्रो कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये जो छोटे छोटे वास रखे हुए हैं आपके सामने,
उसमें आप इजीली इनको लगा सकते हैं। वन मोर अ वेरी ब्यूटिफुल वेराइटी ऑफ कैक्टस, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इतना थॉर्नी भी नहीं है, सिर्फ देखने के लिए काटे हैं, अदरवाइज ये लीफी कैक्टस है। आप इजीली अपनी टेबल्स पे सजा सकते हैं इसे। ये देखिए कितना ब्यूटिफुल लग रहा है ये जो कैक्टस है, ये देखिए। एक ये प्लांट भी बहुत अच्छा लगता है, इसे कई सारे नामों से जाना जाता है। इसे हम नॉर्थ में शाम सवेरे के नाम से जानते हैं, जो कि कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज में इसको बोला जाता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये रबर प्लांट्स जो इन्होंने टेबल टॉप में कन्वर्ट किए हुए हैं, ये देखिए कितने छोटे छोटे रबर प्लांट्स हैं, और ये इजीली छोटे छोटे वास्क में लगे हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, ये देखिए कितना हेल्दी प्लांट है, और ये इजीली जो है वास्क में लगा हुआ है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इस तरीके के टेबल टॉप से अगर आप अपनी वर्क प्लेस को सजाएंगे फ्रेंड्स, तो ये डेफिनेटली बहुत एनहांस भी करेगा ब्यूटी को, आपका मन भी लगेगा उस जगह बैठने के लिए, और पीसफुल भी एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। ब्यूटीफुल रेंज ऑफ प्लांट्स है, ये देखिए ये स्नेक प्लांट्स हैं, ये स्नेक प्लांट विद वास्क मुझे ये जो नर्सरी वाले भैया हैं ये 200 रुपए में दे रहे हैं फ्रेंड्स। इसको अगर इसमें 5 पत्तियां आती हैं और आप इन पत्तियों को अलग अलग करके भी 5 अलग गमलों में लगा देंगे तो भी ये फुल ग्रोथ ले लेता है फ्रेंड्स। और ये देखिए कितने ब्यूटिफुल लग रहे हैं ये देखिए फ्रेंड्स। तो दीज आर द बेस्ट ऑप्शंस जो कि हमने आज बात करी टेबल टॉप्स पर सजाने के लिए। सो फ्रेंड्स, मैं तो डेफ़िनेटली लेने वाली हूँ यहाँ से बहुत सारे टेबल टॉप्स को और सजाने वाली हूँ अपने घर पे। मेरे अगले वीडियो में मैं डेफ़िनेटली आपको एक झलक दूंगी कि किस किस प्लांट को मैंने यहाँ से लिया और किस तरीके से उस प्लांट को मैंने अपने घर पर जो है सजाया है, जिसमें कई तरीके के प्लांट्स आ गए, मनी प्लांट से लेकर रबर प्लांट तक, और रबर प्लांट से लेकर ये जेड प्लांट जो मेरे बैक साइड में लगा हुआ है। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन विच आई शेयर यू, प्लीज़ For the growth of our channel, please like, share, comment and subscribe Plant Life by Charu. Thank you so much friends for watching our channel and please do comments. आपके comments से मुझे idea लगता है कि मैं अगले video में आपको किस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए जिसकी details आपके साथ share करूँ। Thank you so much for watching Plant Life.